बसई नवाब कस्बा के समीप यूपी के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव रसीलपुर में पुराने मुकदमे में समझौता न करने पर सातवीं के छात्र की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे गांव में तनाव माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी सोनम कुमार सहित कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। देखते देखते गांव रसीलपुर छावनी में तब्दील हो गया। रसीलपुर गांव निवासी रामप्रकाश ने बताया कि 15 वर्षीय बेटा सूरज घर के पीछे खेत पर शौच करने के लिए गया था। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन खेत की ओर भागे। वहां खून से लथपथ पड़े सूरज को देखा तो परिजन स्तब्ध रह गए। आरोपियों ने सूरज के सीने में गोली मारी थी, जो सीने में पार हो गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। डीसीपी सोनम कुमार ने बताया घटना को लेकर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। 5/2/24 को लगभग 8:30 बजे रात में सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक लड़के सूरज पाल को गोली मार दी गई और ये ग्राम रसूलपुर का रहने वाला है। सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ पहुँची और लड़के को इलाज के लिए भेजा गया। अभी लड़के की मृत्यु हो गई, जो प्रथम दृष्टया यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोली मार के हत्या की गई है। इसके लिए टीमें लगा दी गई, तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एसओजी सर्विलांस की टीम लगाई गई, इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। सभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी के जो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही इनको गिरफ्तार कर आएगी विधि कार्रवाई की। 5/2/24 को लगभग 8:30 बजे रात में सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक लड़के सूरज पाल को गोली मार दी गई और ये ग्राम रसूलपुर का रहने वाला है। सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ पहुँची और लड़के को इलाज के लिए भेजा गया। अभी लड़के की मृत्यु हो गई, जो प्रथम दृष्टया यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोली मार के हत्या की गई है। इसके लिए टीमें लगा दी गई, तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एसओजी सर्विलांस की टीम लगाई गई, इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। सभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी के जो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही इनको गिरफ्तार कर आएगी विधि कार्रवाई की जाएगी।